हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइवर्जेंस और कई सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो होता है ये वाला सिंबल, व्हाट इज दिस? दिस इज डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड जेड कैप। ये हो गया ये चीज। अब डाइवर्जेंस क्या था? डाइवर्जेंस वॉज इसे हम जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ये होता है ग्रेडियंट ऑफ आर, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। इसे मैं अभी इधर डेल कह रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस इज डेल एक मिनट। हाँ, ये होता है डेल डॉट आर। तो डेट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विथ आर। तो लेट सपोज आर कुछ दिया हुआ है, लेट सपोज वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जेड जेड कैप। तो डेल डॉट आर, डेट इज द डाइवर्जेंस, वो क्या होता है? एक मिनट लिख लेते हैं। तो डेल डॉट आर डाइवर्जेंस वो क्या है? डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप प्लस एक मिनट प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाय जेड डेल बाय डेल जेड जेड कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? वी एक्स एक्स कैप प्लस ये वाला जो टर्म है ना, बेसिकली ये टर्म को इधर हम पुट कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये आ गया डेल ऑफ वी एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाय डेल जेड। हम एक्स एक्स कैप को मल्टीप्लाई किया वाई वाई कैप जेड जेड कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो ये आता है ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ आर का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हम कई सारे एग्जांपल्स लेके डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंस को एक्चुअली हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। पहला एग्जांपल ये है कि लेट सपोज आर इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। तो इसके लिए अगर हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो वो हो गया डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस एक सेकंड प्लस डेल वाई बाय डेल वाई इजिकल टू वन प्लस वन इजिकल टू टू। तो ये हो गया इसके लिए डाइवर्जेंस। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू सपोज एक्स एक्स कैप ओनली। तो इसके लिए डाइवर्जेंस क्या हो गया? डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल जीरो बाय डेल वाई प्लस डेल जीरो बाय डेल जेड, क्योंकि एक्स कैप और वाई कैप के कंपोनेंट्स नहीं है, तो ये आया सिर्फ वन। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ मैं समझाऊंगा, जस्ट पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स कैप माइनस एक्स वाई कैप। तो इसके लिए एक सेकेंड तो इसके लिए जो डाइवर्जेंस आता है वो आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस वाई प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये आया जीरो। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्थ, वेयर आर इज इक्वल टू ओनली एक्स कैप। तो इसके लिए डाइवर्जेंस आता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ वन, दैट इज जीरो। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये हुआ जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल।
तो ये भी आ गया हमारे पास जीरो। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ओके, तो यहाँ प्लॉट्स कह सकते हैं। सबसे पहला था हमारे पास एग्जांपल एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। इसको हम एक बार समझते हैं। जो एग्जांपल वन था ना, उसके लिए आर था इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। ये वेक्टर है। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने वेक्टर लिखा नहीं, पर वो है वेक्टर। ओके, जो जिसका हम ग्रेडियंट ले रहे, जिसका हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं, वो वेक्टर है। जब डाइवर्जेंस आ जाता है तो वो स्केलर है। ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट विल यील्ड अ स्केलर। ओके, तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो कैसा बनेगा, मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो ये जो है ये कुछ इस तरह का आएगा। ओके, एक्स पहले एग्जाम, ओके, इसको मैं इमेजिनरी डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इस साइड, जब एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है डायरेक्शन इस साइड। ओके, और ऐसे ही हम इसकी डायरेक्शंस बता सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता दिखता है कि ये जो है, जैसे ये वाला साइड देख लेते एग्जांपल, ये इस पॉइंट पे यहाँ से ये सब डाइवर्ज हो रहा है, और इसका डाइवर्जेंस क्या आया था, ये आया था 2। ओके, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये डाइवर्ज हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल 2 जो था, ओके, उसके लिए हम देखते हैं इसको। हाँ, ये एक मिनट, हम पहले ये एग्जाम्पल एक्स कैप वाला देखते हैं, एग्जाम्पल 4। ओके, एग्जाम्पल 4 के लिए देख लेते हैं। ये था r इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कैप। ओके, तो इसका अगर प्लॉट हम बनाएं तो प्लॉट कैसा बनता है, वो बनता है एक्स कैप डायरेक्शन है राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो प्लॉट बनता है ये आगे बनता है राइट, ये सारे पैरेलल लाइंस हैं राइट, तो डाइवर्जेंस है नहीं, और इसका डाइवर्जेंस आया कितना था, वो आया था 0 राइट, डाइवर्जेंस 0 हुआ तो, और ये दिख भी रहा है ये डाइवर्ज हो नहीं रहे, तो 0 आ गया। ओके, तो बेसिकली ये था प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली हम प्लॉट से देख सकते हैं, जिसमें डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रहा है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, जिसमें डाइवर्जेंस 0 आ रहा है वो एक्चुअल में पैरेलल हैं, डाइवर्ज हो ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अबाउट डाइवर्जेंस, और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।